संसद के मानसून सत्र का काउंटडाउन शुरू हो गया। कल से देश में एक बड़ी बहस होगी, वो बहस लोकतंत्र के मंदिर में होगी। लेकिन इस बीच हर जुबा पर एक नाम जो है वो है सीमा हैदर का। वो सीमा हैदर जिस पर अभी राजनेताओं की ओर से बड़े बयान नहीं आ रहे हैं, ये वही सीमा हैदर है जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आई है, लेकिन जो लोग हिंदुस्तानियों को भी पाकिस्तान भेजने की धमकी देते रहते हैं वो अभी इस मामले में चुप है, क्योंकि ये मामला अदालत में चल रहा है, ये मामला बड़ी एजेंसियों की जांच के दायरे में है, इसलिए नेता इसमें कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पशुपति शर्मा। मेरे साथ इस पूरे मामले में शुरू से अभी तक तहकीकात करने वाले आशीष दीक्षित हैं, जो लगातार एक एक फाइल इससे जुड़ी हुई खंगाल रहे हैं, जो मामले सामने आ रहे हैं उसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार एक के बाद एक कई खुलासे आंख कान खोल के इस टीम के लीडर हमारे आशीष दीक्षित करते रहे। आज आशीष दीक्षित ने पूरे दिन क्या चीजें तलाशी, क्या जाना, क्या समझा और क्या एक्सक्लूसिव लेकर आज वो आए हैं, सीधे आशीष आप बताएं। आज एक ऐसा एक्सक्लूसिव लेकर आया हूं सीमा हैदर से जुड़ा जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। सीमा हैदर का पबजी के जरिए जो टारगेट था वो एक ऐसा खुलासा हुआ है कि वो दिल्ली एनसीआर के दायरे में जितने ज्यादातर लोग थे उनके वो संपर्क में थी। क्या आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, केवल वो दिल्ली और एनसीआर के लोगों को फोकस कर रहे हैं? और मैं आपको बता दूं कि ये मैं लिखी लिखाई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं दावे के साथ प्रूफ के साथ बताता हूं आपको। प्रूफ ये है कि एक ये लड़का है आयुष माफ चित्रांश करके लड़का है, ये है चित्रांशी करके लड़का, ये आप देख सकते हैं चित्रांशी सी करके लड़का है ये। और एक फोटो दिखाती हूं, ये सीमा हैदर के साथ उसने एक वीडियो बनाया है ये, और उसमें लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है क्यूट ब्रदर, और दोनों गाना गाते हैं, ड्यूट सॉन्ग बनाते हैं, वो गाना गाते हैं दोनों, और उसमें लिखा है क्यूट ब्रदर। आप समझ सकते हैं ये वीडियो है, देख सकते हैं आप, दोनों ने वीडियो बनाया, एक नहीं कई सारे वीडियो बनाए इन दोनों ने। ये पाकिस्तान में अभी है और ये इंडिया में है, कहां ये इंडिया में कहां पे रहते हैं मैं ये भी खुलासा करने वाला हूं। ये इसकी फोटो है इस लड़के की चित्रांशी, ये इसका प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। इसके बाद जो खुलासा है वो मैं करता हूं, चित्रांश का जब ये वीडियो सामने आया तो उसके बाद जब ये आगरा वो पाकिस्तान में थी और ये इंडिया में था और बातचीत हो रही थी, अब जब वीडियो वायरल हुए तब इस पे नीचे कमेंट कर रहा है एक आदमी अजीम करके, अजीम चौधरी कमेंट करता है कौन है भाई तेरी ये, तो चित्रांश इसमें कमेंट करता है पबजी सिस्टर साथ खेलते हैं, यानी कि पबजी सिस्टर है और हम साथ खेलते हैं, यानी कि पबजी का जो जाल आप देख रहे हैं पबजी प्रेम कहानी में, प्रेम कहानी उसके साथ और पबजी का जाल, यानी कि जो है सिस्टर बनाकर, भाई बनाकर, दोस्त बनाकर पबजी सिस्टर हूं। अब आगे वो लिखता है, आगे लिखता है कहां से है भाई तू कहां से है, तो लिखता मैं आगरा से हूं। अब आगरा और दिल्ली की दूरी आप समझ सकते कितनी है। अच्छा, ये आगरा में रहने वाला लड़का पबजी सिस्टर और ब्रदर बन जाते हैं, दोनों गाने गाते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाते हैं, यानी कि सीमा ने एक को नंबर नहीं दिया था, सचिन ही वो नहीं जिसके साथ उसका नंबर शेयर हुआ, कई सारे लोग हैं जिसके साथ उसका नंबर शेयर हुआ, पबजी एक माध्यम था, लूडो खेला उसने, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन गेम्स खेलती थी, और दिल्ली और एनसीआर दावा है कि दिल्ली और एनसीआर के लोगों को वो ट्रैप में फंसाती थी। अब वो प्रेमिका है जासूस ये तो एजेंसियां बताएंगी। एक बहुत बड़ी बात आज आशीष ने हमारे सामने कही है कि पबजी के जरिए वो दिल्ली और एनसीआर के कई लोगों को, कई युवाओं को टारगेट कर चुकी। अब उसका मकसद क्या था, इंटेंशन क्या थी, क्या ये सिर्फ खेल है या इस खेल के पीछे कोई बड़ी साजिश, ये तो एटीएस की पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस बीच एक और खुलासा आज हुआ है और उस पर भी आशीष ने बहुत तहकीकात की है, वो खुलासा काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू से क्या है खबर। जब रिसर्च के दौरान जब हमने देखा उसके कई सारे सोशल मीडिया वीडियोस आए तो ये पता लगा, वो बार बार कहती रही कि मैंने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है,
जब और रिसर्च करके हमारी टीम वहां गई, आज नेपाल गई, काठमांडू गई, वहां से पता लगा कि विनायक होटल जो है, न्यू विनायक होटल जो है, वहां पर ये लोग 10 से 17 मार्च तक रहे और कमरा नंबर 204 में ये वहीं पर रहते थे। 500 रुपए में इन्होंने कमरा किराए पर लिया। उसके जो रिसेप्शन पर एक महिला बैठती थी, उसके स्टाफ में जो महिलाएं थी, सीमा इतनी बोलचाल में आम लोगों से इतने फेमिलियर हो जाती थी कि उसके साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग बन गई। उसने पूछा कि यहां पर कोई पब है, क्लब है घूमने के लिए, मैं जाना चाहती हूं सचिन के साथ। तो उसको बताया यहां इंडियंस को बहुत ठगते हैं, आप वहां मत जाइए। तो ये खुलासे लगातार वहां सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने मंदिर में नहीं, उसी कमरे के अंदर शादी की और मांग उसी कमरे में भरी, मंदिर में शादी नहीं की। हालांकि कुछ सोशल मीडिया वीडियोस हैं जहां वो आरती हो रही है पशुपतिनाथ मंदिर में और वहां से भी उसने वीडियो बनाए हैं सचिन के साथ, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी का जो दावा कर रही है वो लगातार वो झूठा है। जो होटल के लोग हैं, जो वहां रिसेप्शन पे लोग हैं, जो वहां पे स्टाफ था, उसने इनकार किया, उसने कहा है कि वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, होटल के कमरे में उन्होंने शादी की है। अब आप देखिए कि किस तरह के विरोधाभास इस पूरी पड़ताल में सामने आते जा रहे हैं। सीमा हैदर की ये जो लगातार बयान बदलने की जो तकनीक है, एक वीडियो और है जब सीमा हैदर 4 जुलाई को बल्लभगढ़ के, हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार होती है और जो गाड़ी से उतरती है तो पत्रकार उनसे पूछता है, सीमा क्या आपका भाई पाकिस्तानी आर्मी में है? तो सीमा ने कहा, नहीं, मेरा कोई भाई पाकिस्तानी आर्मी में नहीं है। उसके बाद जो इंटरव्यू लगातार हर चैनल में दे रहे, उन्होंने साफ कहा, हाँ मेरा भाई पाकिस्तान आर्मी में है, मेरा भाई है, उसकी उम्र अभी 22-23 साल है और वो अभी अभी ज्वाइन हुआ है पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान, और उसकी सैलरी 18,000 रुपए है। अब दावा यह कि उनके चाचा भी पाकिस्तान में कोई बड़े अफसर है। तो आप देखिए कि ये जो झूठ है, जब आप कोई भी कहानी झूठ की बुनियाद पर रचते हैं तब आप खुद ही उसमें बहुत जल्दी फंसने लगते हैं और यही वजह है कि अचानक से जो सीमा हैदर हर चैनल को इंटरव्यू दे रही थी, 5-7 दिनों से उन्होंने खुद को कैद कर लिया। अब एक और लास्ट खुलासा जो मैं आशीष से चाहूंगा करना, कि आशीष आज आपने देखा कि हमने पाकिस्तान में उसके घर जाकर पड़ताल की, वहां से हमने बहुत सारे इनपुट लिए, तो वहां जो पाकिस्तान में जो चर्चाएं हो रही हैं और पाकिस्तान में जो एक खेल था कि उसको बदनाम करने की साजिश हो रही है, दूसरा ये है कि आप उनके घर के आसपास के लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में आज जो ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने पाकिस्तान से आई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो ग्राउंड रिपोर्ट बहुत, जो मकान मालिक थे जहां पर वो रहती थी, किराए पर ही रहते थे, उन्होंने अपना घर लिया था लेकिन वहां शिफ्ट नहीं हुए थे, उसका मतलब थोड़ा सा पुताई रंगाई करवानी थी, वहां अभी 13.5 लाख का जो मकान लिया था इन्होंने वो, उसमें अब वो शिफ्ट नहीं हुए थे। वो मकान मालिक जो कह रहा है कि यहां रहती थी, रहने के साथ वो जब यहां से गई तो उससे बात हुई कि मैं किराया भेजूंगी, मैं लाहौर जा रही हूं और लाहौर जाने के बाद किसी को भेजूंगी और वो यहां से सामान ले जाएगा मेरा, वो मकान मालिक उसमें वो बातें कह रहा है। अब मैं एक कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, बच्चों की बात जो हमारे सामने आई, वो जो बच्चे पाकिस्तान से वाया नेपाल और इंडिया लेकर वो सीमा हैदर आई है, वो बच्चे कराची में घूम रहे हैं। ये वो बच्चों की तस्वीरें हैं, ये बड़ा बेटा है, ये उसकी बेटी है। सीमा हैदर कराची में समंदर के किनारे बच्चों को लेकर जाती हैं और वहां पर ये लोग घूमते हैं, ये वो बच्चे हैं उनके साथ कराची में, ये महिला है, ये बच्चे हैं सीमा हैदर के, ये सीमा हैदर की ये सहेलियां हैं जो वहां कराची वाले जो घर की बात हम कर रहे थे अभी उसी के पड़ोस में रहती हैं, ये उनके दोस्त हैं, ये उनका बेटा है, ये उनकी बेटी है सीमा हैदर की, ये उनकी फ्रेंड है जिसके साथ इन्होंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं, अपने लगातार वीडियो शेयर की, ये वही भाई जो मैं आपको बता रहा था, वो भाई है, ये भाई की तस्वीरें हैं, ये प्रोफाइल है, एक और ये इलाज कराने के दौरान 8 फरवरी की तस्वीरें हैं जब वो एक काफी उनको कुछ तकलीफ हुई तो इलाज कराने गई, उसका अस्पताल का पर्चा लिखा हुआ है बाकायदा। तो ये वो तस्वीरें हैं जो गवाही देती हैं कि जो है वो एक आशीष जो बात कह रहे हैं कि एक डिजिटल कुंडली हमने आपको बताई थी, पहले भी दिखाई थी और वो लगातार, तो क्या कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग प्लांटेड तरीके से एक सीरीज क्रिएट करते हैं, एक कहानी बुनते हैं, और आपने फिल्म दृश्यम देखी होगी कि कैसे आदमी बहुत अपने आप को बचाने के लिए, सेव करने के लिए कई ऐसी तरह इस तरह के सबूत जानबूझकर पब्लिक डोमेन में डालता है
जिससे उसकी कहानी को पुख्ता किया जा सके और उसको आप ऐसा लगे कि बहुत स्वाभाविक लड़की है या एक नेचुरल स्टोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे सीमा हैदर की हिस्ट्री खुलती जा रही है, ये मोहब्बत मिस्ट्री में बदलती जा रही है। इस मिस्ट्री का हर राज हम आपके साथ खोलते रहेंगे, इसी तरह बातें करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे इस पूरे खेल के पीछे आखिर वो कौन है, वो शख्स जब तक उसके मददगार, उसके जो साजिश करता है सामने नहीं आ जाते, इंडिया न्यूज इस खबर का पीछा नहीं छोड़ेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।